मास्केबल और मास्केबल इंटरप्ट्स और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो हमारे पास एक तो है RST 5.5, एक है RST 6.5, एक है RST 7.5, तीन इंटरप्ट तो ये हैं। चौथा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है जिसको बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। और पाँचवा मास्केबल हार्डवेयर इंटरप्ट है, दैट इज़ INTR, ठीक है। तो इन चार चार हमारे हो गए वेक्टर्ड और पांचवा हमारा हो गया INTR, एंड पांचों इंटरप्ट के अलावा हमारे पास कोई इंटरप्ट नहीं है। कुल मिलाकर के अगर हम अभी हमने केवल दो डिवाइसेस पढ़ी हैं, 8255 और 8253, है ना। 8255 PPI प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, और 8253 और 8254 यानी प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। इन दोनों आईसी में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमारे पास तीन तीन पोर्ट्स थे, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी, या फिर अगर हम PIT की बात करें तो वहाँ पर तीन काउंटर्स थे, है ना। अब अगर मैं इस आउटपुट पोर्ट से जो डेटा निकल रहा है, चाहे वो 8255 हो, चाहे वो 8253 हो या 8254 हो, है ना, ये आउटपुट पे जो डेटा आ रहा है उसको, उस डेटा को हम यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट की रिक्वेस्ट देने के लिए। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इंटरप्ट की रिक्वेस्ट दे रहा हूँ तो सबसे पहली बात तो ये कि इंटरप्ट की रिक्वेस्ट वहाँ पर फ्री होनी चाहिए, क्योंकि 8255 या 8253 कोई भी आईसी अगर मैं इंटरप्ट दे रही है तो उस इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर भी तो रिसीव करना चाहिए। अब अगर सपोज मैं तो इंटरप्ट जनरेट करता जा रहा हूँ लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के पास पिन ही नहीं है उसको रिसीव करने के लिए, तो फिर ऐसे इंटरप्ट्स को जनरेट करने का फ़ायदा क्या। तो ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि हम एक इंटरप्ट कितने इंटरप्ट्स को माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कितनी अलग अलग डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट भेज सकती हैं, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि क्या जो भी डिवाइस से हम इंटरप्ट भेज रहे हैं वो केवल और केवल उन्हीं इंटरप्ट पिन पर भेजेंगे जो इंटरप्ट पिन हमारी हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए अवेलेबल है, या क्या हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस से इंटरप्ट जो जनरेट हो रहा है उसको 8085 तक पहुँचाने के लिए। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या हम वेक्टर्ड इंटरप्ट को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ये तीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिल गया तो आपको इस 8259 का बेसिक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि बेसिकली हमने जो 8259 पढ़ा, उस एट टू ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो टू बिगिन विद, मेरे पास 8085 की आईसी मैंने ली है जनरल पर्पस के लिए, क्योंकि हमारे पास 8085 ही है अपने सिलेबस के अंदर। 8086 के साथ इसकी इंटरफेसिंग नहीं है, ठीक है। सो टू बिगिन विद, वी आर टेकिंग एन आईसी 8085, और हम उसमें दो चीज़ें दिखाएंगे। एक तो 8085 के कौन कौन सी इंटरप्ट्स हैं और हमने उस 8085 पर कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी हैं, ठीक है। तो पहली डिवाइस सपोज कीबोर्ड है, पहली डिवाइस कीबोर्ड है, और उस कीबोर्ड को हमने सपोज फॉर एग्जांपल जो 8255 PPI के थ्रू इंटरफेस कराया है उसको हमने ट्रैप इनपुट पर इंटरप्ट पर दिया है, ठीक है। दूसरी डिवाइस हमने यूज़ कर रखी है सपोज माउस फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब माउस को हमने RST 7.5 पर दे रखा है फॉर एग्जांपल, ठीक। RST 6.5 पर हमने एक प्रिंटर लगा रखा है, ठीक। और RST 5.5 पर हमने एक डिस्प्ले लगा रखा है, चाहे वो मॉनिटर हो या चाहे वो LCD LED डिस्प्ले हो, ठीक। अब अगर सपोज मेरे पास एक और डिवाइस है, पांचवी डिवाइस, सपोज फॉर एग्जांपल CD, है ना। तो CD को मैंने सपोज INTR पर लगा रखा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये पांचों इंटरप्ट की पिन मेरी मेरी यूज़ की जा चुकी हैं अलग 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 डिवाइसेस को अलग अलग इंटरप्ट पिन से कनेक्ट कर रखा है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई छठा इंटरप्ट आया, है ना, तो छठा इंटरप्ट कहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि मैंने इन दोनों इंटरप्ट्स को, इन चार को तो मैंने ऊपर लिखा है और CD वाले को नीचे क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो चार हैं ऊपर जो लिखे हैं ये हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, और जो INTR है ये है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, है ना। अब सपोज पांचवा कोई डिवाइस, कोई और छठी डिवाइस आई मेरे, सपोज USB मेरे को कनेक्ट करनी है, तो USB कनेक्ट करने के लिए मैं किस इंटरप्ट पिन पर अपनी रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई खाली है ही नहीं। ट्रैप, RST 6.5, 7.5, 5.5 और INTR कोई भी खाली नहीं है, सब पर कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई डिवाइस कनेक्टेड है। अब ऐसे केस में अगर USB से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो ऊपर यानी इन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स में से किसी एक पिन पर जाएगी, या फिर ये किसी
नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट पे, जैसे कि INTR पे जाएगी। अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमारे चारों वेक्टर्ड वाले और पांचवा नॉन वेक्टर्ड, ये सारे के सारे कवर्ड हैं, तो हम किस इंटरप्ट पिन पर अपनी IC मतलब अपने इंटरप्ट रिक्वेस्ट को भेजेंगे, एक एक्सटर्नल डिवाइस से जनरेट होने वाले इंटरप्ट को किस इंटरप्ट पिन से कनेक्ट करेंगे। तो अगर आपने वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स के फंडामेंटल्स को हल्का सा ध्यान में लेकर के आओ, तो हम ये देखते हैं कि वेक्टर्ड इंटरप्ट्स वो होते हैं जो इंटरप्ट्स का अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो एक पर्टिकुलर ISR के एड्रेस पर जाते हैं। ISR मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इनका एक पर्टिकुलर वेक्टर एड्रेस है और उस पर्टिकुलर वेक्टर एड्रेस पर हमें ISR यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन हमें मिल जाती है रिक्वेस्ट, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी मेमोरी के अंदर मैंने अलग अलग ISR, ये जो हमारे वेक्टर इंटरप्ट हैं ये चार हैं, है ना, हार्डवेयर वेक्टर इंटरप्ट चार हैं, ठीक है। तो इन इंटरप्ट के हिसाब से मैंने इंटरप्ट सर्विस रूटीन बना रखा है और वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन मेरी एक फिक्स लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर कि सपोज मेमोरी लोकेशन 002C के अंदर एक इंटरप्ट जा रही है, 003C के अंदर एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन जा रही है। इसका मतलब अगर मैं उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर गया तो मुझे पता है कि उस मेमोरी लोकेशन पर डेटा क्या है और उस मतलब कोड्स क्या है और उन किन कोड को मेरे को इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि वहाँ पर एक सब रूटीन मेरे को अवेलेबल है ना। तो अगर मैं कीबोर्ड इंटरफेस करता हूँ और सपोज मैंने ट्रैप पर लगाया, तो इसका मतलब एक वेक्टर्ड इंटरप्ट है, यानी मैंने जिस लोकेशन पर कीबोर्ड मतलब ISR भेजनी है उस लोकेशन पर मैंने कीबोर्ड को इंटरफेस करने का प्रोग्राम लिख रखा है, कोड लिख रखे हैं उसके। सिमिलरली अगर RST 7.5 पर मैं फॉर एग्जांपल माउस कनेक्ट करता हूँ, तो RST 7.5 के करेस्पॉन्डिंग ISR एड्रेस पर मैंने माउस को इंटरफेस करने के कोड्स लिख रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी वेक्टर्ड इंटरप्ट को अगर मैं किसी भी वेक्टर्ड इंटरप्ट को पर कोई डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, तो ऐसे केस में मुझे हमेशा से ये पता है कि मैं किस पर्टिकुलर लोकेशन पर जा रहा हूँ, यानी उसका वेक्टर एड्रेस मुझे पता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं USB कनेक्ट करता हूँ, तो USB कनेक्ट करने के या कोई और डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, अब उसको कनेक्ट करने के लिए अगर मैं TRAP ट्रैप का इस्तेमाल करूँ, तो क्या वाकई में ट्रैप जो है USB को कनेक्ट करने के लिए सूटेबल होगा? क्योंकि अगर मैं ट्रैप पर जाता हूँ तो ट्रैप एक वेक्टर्ड इंटरप्ट है और ट्रैप एक वेक्टर्ड इंटरप्ट है जिसको मैंने ऑलरेडी कीबोर्ड से कनेक्ट कर रखा है। कीबोर्ड से मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ ABCD 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे केस में अगर मैंने कीबोर्ड वाली जगह पर यानी ट्रैप पर मैंने एक USB कनेक्ट कर दी, तो जब USB ट्रैप पर जाएगा तो ट्रैप एक वेक्टर्ड इंटरप्ट है और वेक्टर्ड इंटरप्ट एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR रिक्वेस्ट ISR एड्रेस उस लोकेशन का देगा और वहाँ पर एक प्रोग्राम है जो कि कीबोर्ड को इंटरफेस करने के लिए कीबोर्ड को यूज़ करने के लिए बना रखा है। तो कीबोर्ड को यूज़ करने का प्रोग्राम और USB का यूज़ करने का प्रोग्राम अलग अलग होंगे। ऐसे केस में अगर मैं ऊपर के कोई भी इंटरप्ट लेता हूँ, चाहे ट्रैप, चाहे RST 7.5, चाहे 6.5, चाहे 5.5, ये सारे के सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं। और वेक्टर्ड इंटरप्ट अगर हैं तो उन वेक्टर्ड इंटरप्ट के सर्विस रूटीन्स अलग अलग हैं, है ना। अगर मैं USB से रिक्वेस्ट वेक्टर्ड इंटरप्ट पे कनेक्ट करता हूँ, तो वेक्टर्ड इंटरप्ट पे कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि मैं बेसिकली एक फिक्स लोकेशन पर जा रहा हूँ, उस फिक्स लोकेशन पर इंटरप्ट सर्विस रूटीन मेरा लिखा हुआ है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब अगर मैंने USB या कोई और डिवाइस कनेक्ट करी, तो वो कायदे में उसी जगह पर जाएगा जिस जगह पर इनके अलग अलग वेक्टर एड्रेसेस हैं, और अगर मैं उस जगह पर पहुंच गया तो मैं उन्हीं प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करूंगा जो बाय डिफॉल्ट उस लोकेशन पर लिखे हुए हैं। लॉजिकली क्या होना चाहिए? लॉजिकली ये होना चाहिए कि अगर मैं कोई एक्स्ट्रा डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उस एक्स्ट्रा डिवाइस का प्रोग्राम भी तो मैं यूज़र से लूँगा, क्योंकि यूज़र नहीं तो USB कनेक्ट करी है, तो यूज़र ने अगर USB कनेक्ट करी है तो यूज़र ही एक्चुअल में उसका प्रोग्राम देगा कि USB को इंटरफेस कैसे करना है, डेटा की ट्रांसफरिंग कैसे करनी है, रीड राइट कैसे करना है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा। वो पर्टिकुलर प्रोग्राम कौन देगा? वो पर्टिकुलर प्रोग्राम देगा मुझे यूज़र। तो मुझे एक्चुअल में उसके इंटरप्ट सर्विस रूटीन को यूज़र से ही इनपुट कराना होगा, रादर देन टू गो विद अ प्री डिसाइडेड और अ फिक्स्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन दैट इज़ गिवन बाय वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। तो ऐसे केस में हम इसको ये USB को
अपने ट्रैप या किसी भी वेक्टर्ड इंटरप्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते। हम किससे कनेक्ट करेंगे? INTR से करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या आएगी ये कि अगर मैं INTR से कनेक्ट करता हूँ तो INTR से तो ऑलरेडी एक CD कनेक्टेड है ना? INTR से CD कनेक्टेड है। INTR एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। इसका मतलब अगर एक रिक्वेस्ट आ रही है CD से, तो पहले वो CD की रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, और फिर दूसरी इंटरप्ट दूसरी रिक्वेस्ट आ रही है USB से, तो वो USB की रिक्वेस्ट हैंडल करेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है? एक टाइम पर वो दो अलग अलग डिवाइसेस को हैंडल नहीं कर सकता सेपरेटली। तो अगर मेरे को दो अलग अलग डिवाइसेस को या उससे ज़्यादा अलग अलग डिवाइसेस को इंटरफेस कराना हो, तो मैं वेक्टर्ड का तो यूज़ कर नहीं सकता, क्योंकि वेक्टर्ड के तो ISR फिक्स है। डिवाइस ज़रूरी नहीं है कि वो वही डिवाइस हो, कीबोर्ड माउस प्रिंटर ही हो सकता है मैं कोई और डिवाइस HDMI केबल कनेक्ट करना चाहूँ, लैन केबल कनेक्ट करना चाहूँ, मॉडेम कनेक्ट करना चाहूँ, USB कनेक्ट करना चाहूँ, फ्लॉपी डिस्क कनेक्ट करना चाहूँ, कैमरा कनेक्ट करना चाहूँ, है ना? तो ऐसे स्पीकर कनेक्ट करना चाहूँ, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। तो अगर किसी भी डिवाइस को मैं कनेक्ट करूँगा तो उसके पर्टिकुलर प्रोग्राम भी अलग अलग होंगे, सर्विस रूटीन भी अलग अलग होंगे। तो ऐसे केस में मैं वेक्टर्ड इंटरप्ट पे तो जा ही नहीं सकता, ये वेक्टर्ड इंटरप्ट पे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इनके फिक्स ISR माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी के अंदर लिखे हुए हैं। बाई डिफॉल्ट उस जगह पॉइंट हो जाएगा, और उस जगह पॉइंट होने के बाद उस लोकेशन को वो एग्जीक्यूट, उस लोकेशन के कोड्स को वो एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, तो मैं कनेक्ट करने का एक ही रीज़न है कि मैं उसको INTR पिन से कनेक्ट करूँ। अब INTR पिन से कनेक्ट करता हूँ तो INTR पर ऑलरेडी एक डिवाइस कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में यहाँ पर एक ज़रूरत आती है कि अगर मैं कोई पेरिफेरल डिवाइस ऐसी लगा पाऊँ, ऐसी बना पाऊँ, जिसके थ्रू मैं अलग अलग डिवाइसेस को INTR पिन पर भी कनेक्ट कर सकूं। तो अगर मैं INTR पिन पर कनेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं उस INTR यानी नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स पर भी अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस के इंटरप्ट्स को कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये कि इंटरप्ट हार्डवेयर इंटरप्ट्स, नंबर ऑफ जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं वो लिमिटेड है। हार्डवेयर इंटरप्ट्स मतलब RST 5.5, 6.5, 7.5, ट्रैप और INTR। केवल नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट को ही हम अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही एक ऐसा इंटरप्ट है जो कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेसेस को डिवाइस से मांगता है। बाकी सारे इंटरप्ट तो वेक्टर्ड हैं, बाकी सारे को तो पता है कि मेरे को अगर इस पॉइंट पर रिक्वेस्ट आती है तो कहाँ जाना है। लेकिन केवल एक इंटरप्ट ऐसा है जो कि ISR को अलग अलग डिवाइसेस से, जो भी इंटरफेसिंग डिवाइस है उससे रिक्वेस्ट करता है, ठीक है? तो ऐसे केस में मैं केवल वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट को यूज़ करूँगा, जिससे कि मैं सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकूँ। तो 8259 ये एक प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर ही एक ऐसी डिवाइस है जिसको जिसके थ्रू हम लोग नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट यानी INTR से अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मेरी नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट वाली डिवाइसेस जो भी कनेक्ट होंगी वो INTR रिक्वेस्ट जनरेट करें, और INTR रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर INTA बार एक्नॉलेजमेंट देगा, तो उस एक्नॉलेजमेंट के थ्रू वो एड्रेस डिवाइस का मांग लेगा, है ना? उसका प्रोग्राम का एड्रेस मांग लेगा कि कहाँ पर मेरे को एक्चुअली जाना है, कौन सी लोकेशन से मेरे को प्रोग्राम शुरू करना है, ठीक है? इसको हम प्रायोरिटी इंटरप्ट कंट्रोलर भी बोलते हैं, या प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर तो है ही, क्योंकि हम प्रायोरिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। INTR जो वेक्टर है वो प्रायोरिटी पे काम करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ट्रैप की, उसके बाद RST 7.5, 6.5, 5.5 की, उसके बाद सबसे लीस्ट प्रायोरिटी आती है INTR की। अब अगर INTR पर भी मैंने 5, 6, 8 इनपुट लगा दिए तो उनकी भी प्रायोरिटी वो डिसाइड कर सकता है ना? अगर 8 इनपुट लगे हुए हैं तो कौन सी प्रायोरिटी मेरे को, किस इनपुट की प्रायोरिटी देनी है, उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है? ये हम देखेंगे आगे। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये कि इस जो ऑपरेशन है इंटरप्ट मैकेनिज्म का, वो इंटरप्ट हार्डवेयर इंटरप्ट सिग्नल को एक्टिवेट करना है सब रूटीन को कॉल करके, ठीक है? जितने भी नंबर ऑफ इंटरप्ट सोर्सेस प्रेजेंट हैं वो सब इंटरप्ट सोर्स अलग अलग इंटरप्ट सर्विस रूटीन को, इंटरप्ट सब रूटीन्स को इन्वॉल्व करते हैं। अलग अलग उनके एड्रेसेस होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 8 डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो अलग अलग 8 एड्रेसेस होंगे, 8 अलग अलग लोकेशंस को वो कॉल करेगा, है ना? और मैं उनकी मास्किंग को यानी उसकी प्रायोरिटी को रिजॉल्व कर सकता हूँ
और उनकी मास्किंग को भी चेक कर सकता हूँ 8259 के थ्रू। ठीक है, 8259 कंट्रोलर का मेन पर्पस क्या है, वो ये है कि हमें इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करना और उनकी प्रायोरिटीज को और मास्क को डिसाइड करना, या मास्क के बेसिस पे हमें उन इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करना है। ये एक मल्टीप्लेक्सर की तरह भी काम करता है, जो जो बेसिकली मल्टीपल इंटरप्ट पिंस को कंबाइन, जो बेसिकली मल्टीपल इंटरप्ट पिन को एक पिन पर कंबाइन करेगा, जिससे कि एक सिंगल इंटरप्ट रिक्वेस्ट प्रोसेसर तक पहुंच सके। ठीक है, कुछ और फीचर्स है उसमें, आता है कि हम एक 8259 से 8 टाइप के इंटरप्ट्स जनरेट कर सकते हैं, 8 लेवल इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं, 8 अलग अलग डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कास्केड कर दूं तो मैं मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में भी काम कर सकता हूं और टोटल 64 इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकता हूं। मतलब मैक्सिमम 64 इंटरप्ट्स हैंडल किए जा सकते हैं। अगर मैं मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करता हूं तो 64 इंटरप्ट्स को, 64 अलग अलग डिवाइसेस को हैंडल कर सकता हूं, और अगर मैं नॉर्मल मोड में काम करता हूं तो मैं केवल 8 अलग अलग इंटरप्ट्स को, यानी 8 अलग अलग डिवाइसेस को जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, इसके अंदर एक इंटरनल प्रायोरिटी रिजॉल्वर होता है, वो प्रोग्राम्ड होता है, उसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, जिसके थ्रू मैं किसी भी पर्टिकुलर पिन रिक्वेस्ट, पिन पर आने वाली रिक्वेस्ट की प्रायोरिटी को डिसाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर टाइम पर ये पिन पर जो रिक्वेस्ट आएगी उसको मैं प्रायोरिटाइज करूँगा। ठीक है, इंडिविजुअली हम इंटरप्ट्स को मास्क भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनपुट तीसरी पिन पर जो रिक्वेस्ट आ रही है इंटरप्ट की, मेरे को उसको ब्लॉक करना है, मेरे को उसको मास्क करना है, मेरे को उसको रीड ही नहीं करना, तो मैंने उसकी मास्किंग कर दी। पॉसिबल है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सब चीज़ पॉसिबल है, है ना। इसको दो मोड में काम करा सकते हैं हम, पोल्ड और वेक्टर्ड मोड में। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, जितने भी मोड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे तो उसके अंदर ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन या फिर वेक्टर, ये प्रोग्रामेबल है, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। यूज़र एक इनपुट दे सकता है कि मेरे को प्रोग्राम कहाँ से शुरू करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके लिए एक सेपरेट क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे हमने 8255 में देखा या 8253 में देखा, उसके अंदर सेपरेटली हमने क्लॉक लगाई थी, लेकिन 8259 में देर इज नो नीड ऑफ क्लॉक। क्लियर है, हम चलते हैं सीधे ब्लॉक डायग्राम पे। तो ब्लॉक डायग्राम, जैसे हमने बाकी डिवाइसेस का पढ़ा है 8253, 8255 या 8259, बिल्कुल सेम वैसे ही, सॉरी 8253 और 8254 और 8255 का हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल सेम वैसे ही 8259 का है, बस थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पोर्ट्स की स्टडी करी थी, यहाँ पर पोर्ट नहीं है, यहाँ पर उस पोर्ट को हमने एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर के थ्रू इनपुट देने के काम में लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इनपुट साइड। ये मेरी डेटा बस बफर है, क्योंकि डेटा अगर इंटरप्ट पर आएगा कहीं पे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरे को इस पूरे 8259 को प्रोग्राम करना है तो मेरे को माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो डेटा बस बफर के थ्रू मैं माइक्रो प्रोसेसर, यानी ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जा रहा है ना, माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ये मेरे D7 से D0 पिन जो है ये इस IC की है, और ये उस 8085 या 8086 की D0 से D7 वाली पिन से कनेक्ट हो जाएगी। बफर का काम क्या है, बफर का काम यह है कि जब तक कि उसको कहा ना जाए तब तक कि वो डेटा यहीं तक रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, इंटरनल डेटा बस ऑफ द 8259 पर नहीं जाएगा। ये जो जब मैं अब लाइन खींच रहा हूँ, ये येलो कलर की लाइन स्ट्रेट, दिस इज़ इंटरनल बस, ये इंटरनल बस है हमारी, और इस इंटरनल बस को हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हमने इसके दो सेगमेंट कर रखे हैं। एक सेगमेंट में हमने डिफाइन करा है कि हमने उस इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, और दूसरे हमने पार्ट में ये डिफाइन करा है कि कैसे हमने उन इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को मास्क करना है। ठीक है, तो सपोज मैं एक 8259 से, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम 8 इनपुट रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं IR0 से लेकर के IR7, दीज 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट दैट कैन बी जनरेटेड यूजिंग 8259। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट आएंगी, ये एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IRR, वहाँ पर सेव हो जाएंगी। ये 8 बिट का रजिस्टर है, 8 ही मेरी इनपुट पिन है, हर इनपुट पिन पर अगर रिक्वेस्ट आएगी तो वो 1 होगी, नहीं आएगी तो वो 0 होगी। तो अगर 1 है इसका मतलब उस पर्टिकुलर बिट के करस्पॉन्डिंग रजिस्टर के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, और अगर वो 0 है इसका मतलब उस करस्पॉन्डिंग बिट के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर की बिट वैल्यू है वहाँ पर 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली डेटा बस से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि डेटा बस से ये डेटा
मांगा भी जा सकता है, माइक्रो प्रोसेसर इसको रीड भी कर सकता है, ठीक है, बट केवल रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। राइट कौन करेगा? केवल पेरिफेरल डिवाइस राइट करेगी, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं इन सर्विस रजिस्टर। अगर मैं सपोज कोई हम बात करें, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर, तो कैपेसिटर हम क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज है, लेकिन अगर मैं सपोज वो फैन में लगा हुआ है, मैंने एक बार फैन ऑन करा, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चार्ज स्टोर हो गया ना। अब मैंने सपोज 4 घंटे के लिए फैन ऑफ कर दिया, तो जब मैं 4 घंटे बाद ऑन करूंगा, इसका मतलब क्या मैं ये मानूंगा कि उसके अंदर जीरो चार्ज है? नहीं, मैं उसके अंदर ये मानूंगा कि कुछ ना कुछ ऑलरेडी चार्ज है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर मैं इसको बिल्कुल फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, इसका मतलब इन सर्विस रजिस्टर के अंदर कोई डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसको ये नहीं पता कि मैं अभी किस इंटरप्ट पिन को सर्विस, किस इंटरप्ट पिन की सर्विस को प्रोसेसर से हैंडल करा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर वो सेकेंड टाइम वो आएगा, इसका मतलब अब उसको ISR के थ्रू ये पता है कि मैंने पिछले टाइम, पिछली बार जब सर्विस करी थी, INTR पिन से रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उस टाइम किस इंटरप्ट पिन की रिक्वेस्ट को मैंने हैंडल करा था, तो ये इसको पता है, ISR को पता है, ठीक है। अब इस ISR के थ्रू और इस IRR के थ्रू ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर मेरा काम करता है कि मैं इंटरप्ट की प्रायोरिटी डिसाइड करना। फॉर एग्जाम्पल हम लॉजिकली मानते हैं कि IR0 हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, IR7 हमारा लीस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, बट दैट कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग दिस प्रायोरिटी रिजॉल्वर एंड इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। इंटरप्ट मास्क रजिस्टर में जो डेटा आएगा, वो डेटा आएगा माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। सपोज माइक्रो प्रोसेसर ने ये बोला कि भाई मेरे को एक प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन करा, उस प्रोग्राम में IR3 की रिक्वेस्ट या IR4 की रिक्वेस्ट को मैंने मास्क कर दिया, इसका मतलब इस करेस्पॉन्डिंग बिट पर जो भी डेटा आ रहा है, चाहे वो 1 है चाहे वो 0 है, ये इंटरप्ट मास्क रजिस्टर क्या कर देगा? उसको 0 कर देगा। इसका मतलब रिक्वेस्ट भले ही यहाँ आ रही है, लेकिन इस मास्किंग ने क्या करा, उसकी रिक्वेस्ट को 0 कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जो डेटा इंटरनल बस पे जाएगा, वो डेटा, उस रिक्वेस्ट वाला डेटा जाएगा ही नहीं, इसका मतलब उसने उसकी मास्किंग कर दी, ठीक है। अब मास्किंग रीड भी की जा सकती है प्रोसेसर के द्वारा और राइट भी की जा सकती है प्रोसेसर के द्वारा यूजिंग सम यूजर स्पेसिफिक प्रोग्राम। जो भी यूजर ने या प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया है, कोड्स बनाए हैं, उस कोड के हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल साइडेड एरो दिए हैं, ठीक है। ISR और IRR की वैल्यू केवल रीड की जा सकती है, दैट कैन नॉट बी रिटन, क्लियर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये कि हम रीड और राइट लॉजिक कैसे काम कराएंगे। तो रीड राइट लॉजिक काम कराने के लिए हम एक रीड राइट लॉजिक को बनाएंगे सबसे पहले 8259 में। अब रीड और राइट लॉजिक है, इसका मतलब हमें दो सिग्नल तो देने पड़ेंगे, रीड और राइट दोनों एक्टिव लो सिग्नल्स हैं, इसका मतलब हमने एक इन्वर्टर लगाया है, एक्टिव लो मतलब RD बार और WR बार, हमने यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा दिया है ना, और उसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए हमने एक चिप सेलेक्ट सिग्नल का सहारा लिया। हमने लास्ट टाइम 8253 और 8254 की इंटरफेसिंग में देखा था कि चिप सेलेक्ट लॉजिक को बनाने के लिए हमने A8 to A15 जो हाई ऑर्डर एड्रेस बस है, प्लस जो हमारा बाकी क्या कहते हैं, एड्रेस लैच इनेबल वाले पिन है या बाकी एड्रेसेस हैं, उनको हम यूज़ करके चिप सेलेक्ट लॉजिक को इनेबल और डिसेबल यूजिंग अ डिकोडर इनेबल और डिसेबल करने का काम कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट ऑब्लिक IM बार IO/M बार वाली पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिकोडर के थ्रू हम चिप सेलेक्ट लॉजिक को जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। अब लास्ट टाइम जो हमने 8259, 8253 और 8254 की IC में देखा था, तो हमने वहाँ पर तीन काउंटर डिसाइड करे थे। तीन काउंटर मतलब एटलीस्ट दो कंट्रोल पिन्स, जिससे कि हम काउंटर को एड्रेस कर सकें। यहाँ पर चूंकि कोई भी काउंटर नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही रजिस्टर है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, तो ऑटोमेटिकली एक बिट से काम चल जाएगा, A0। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो इंटरप्ट सर्विस दे को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर 0 है, तो हम कंट्रोल वर्ड के अंदर कुछ ना कुछ डेटा डाल रहे हैं। हम डिटेल में, जब हम इसके मोड्स पढ़ेंगे, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम बोलते हैं कास्केड बफर, ठीक है। कास्केड बफर क्या करता है, ये इंडिविजुअल तीन इसकी पिन्स हैं, इन तीन पिन पर हम बेसिकली 3:8 डिकोडर का इस्तेमाल करके 8 अलग अलग पेरीफेरल 8259 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसके थ्रू 8, इसके थ्रू 8 और इसके थ्रू 8, मतलब इन तीनों के थ्रू 3:8 डिकोडर से 8 लगा लिया है ना, 8 8259 IC लगा ली, तो हर एक की 8 होंगी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है ना। तो टोटल 8 × 8 मतलब 64 पिन्स, 64 इंटरप्ट्स को हम हैंडल कर सकते हैं, समझ में आया।
मैंने यहाँ पर ये ले रखा है, थ्री इनपुट्स हैं, इन तीन इनपुट से मैं टोटल 8, 3:8 डिकोडर से 8 अलग अलग 8259 आईसी को कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 8 कनेक्ट कर दिए मैंने, ठीक है, 8 मैंने कनेक्ट कर दिए। अब एक एक सिंगल आईसी से 8 रिक्वेस्ट दे पा रहा हूँ मैं, है ना, तो दूसरी पिन से भी 8, तीसरी पिन से भी 8, ऐसे ही टोटल 8 पिन है, तो टोटल 64 मैं इंटरप्ट सिग्नल जनरेट कर सकता हूँ अगर मैं इसको कास्केड मोड में काम कराना चाहता हूँ तो। क्लियर है? उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक बेसिकली क्या करेगा, कंट्रोल लॉजिक ये काम करेगा कि इन पिन्स पर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है और इन प्रायोरिटी रिजॉल्वर ने और पिछली रिक्वेस्ट को हैंडल करने के बाद इस मास्क के थ्रू इस डिवाइस ने आइडेंटिफाई करा कि मेरे को इस टाइम पर किस इंटरप्ट को प्रायोरिटी देनी है, तो वो क्या करेगा, सिंपली वो इस प्रायोरिटी रिजॉल्वर से और इस इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर से, इस प्रायोरिटी रिजॉल्वर से वो ये चेक करेगा कि किस इंटरप्ट को प्रायोरिटी देनी है बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रायोरिटीज, और उसके हिसाब से वो इस इंटरप्ट रिक्वेस्ट के उस पर्टिकुलर पिन को, फॉर एग्जांपल IR2 इस टाइम मैंने रिक्वेस्ट हैंडल करनी है, तो IR2 की रिक्वेस्ट को वो सीधे सीधे INT से कनेक्ट कर देगा। अब ये वाली INT जो पिन है ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 8086 की INTR पिन से, इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन से कनेक्टेड होगी, ठीक है। अब अगर माइक्रो प्रोसेसर 8085 या 8086 अगर इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है तो वो साथ में एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देगा, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देगा INTA बार पे, है ना, तो INTA बार भी कंट्रोल लॉजिक से कनेक्टेड है। अब INTA बार दोबारा इसी प्रायोरिटी रिजॉल्वर के थ्रू इस सर्विस रजिस्टर के अंदर जाएगी, ठीक है, और फिर वो ये पता करेगी कि भाई मेरे इस IR2 का एड्रेस कितना था, है ना, IR2 के लिए सर्विस रूटीन का एड्रेस कितना है, और सर्विस रूटीन का एड्रेस मेरी इस डेटा बस पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने इंटरप्ट रिक्वेस्ट दी और इंटरप्ट रिक्वेस्ट को माइक्रो प्रोसेसर ने एक्नॉलेज कर दिया, तो एक्नॉलेज करने का क्या मतलब है, एक्नॉलेज करने का मतलब ये है कि बेसिकली अब इस एक्नॉलेजमेंट के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर उस करस्पॉन्डिंग डिवाइस से ये पूछ रहा है कि भैया डिवाइस तो मैंने कनेक्ट कर ली, तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन मेरे को जाना कहाँ है, मुझे उसका एड्रेस तो बताओ कि मेरे को कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर वो लिखा है प्रोग्राम। तो प्रोग्रामर ने ऑलरेडी यूजिंग सम प्रोग्रामिंग स्किल्स वो मेमोरी के अंदर कहीं पर स्टोर कर रखा है। अब इस IRR इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर से जो रिक्वेस्ट आ रही है, अब INTA बार जैसे ही उस रिक्वेस्ट पर पड़ेगा, इसका मतलब अब उस INTA बार के थ्रू मुझे ये बताना है कि जिस करस्पॉन्डिंग डिवाइस के को मेरे को हैंडल करना है इंटरप्ट में जो मैंने दिया था, अब वो बेसिकली कहाँ पर किस मेमोरी लोकेशन को कॉल करेगा, क्योंकि एक्चुअल में उस डिवाइस के करस्पॉन्डिंग सब रूटीन मैंने पहले ही मेमोरी के अंदर, प्रोग्रामर ने पहले ही मेमोरी के अंदर कहीं लिख रखा है, तो अब वो आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे को कौन सी लोकेशन पर जाना है। उसके लिए वो यूज़ करेगा कॉल फंक्शन का। कॉल क्या करता है, कॉल एक ऐसा फंक्शन है जो कॉल करता है दूसरे प्रोग्राम को, मेन प्रोग्राम से हट करके वो दूसरी जगह पर जाएगा, वहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और फिर दोबारा वापस आ जाएगा। तो उस कॉल को रन कराने के लिए उसका एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। अब कॉल जो है वो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, पहला पहला कॉल का ऑप कोड और बाकी दो जो 8-8 बिट के हैं 16 बिट का टोटल एड्रेस। तो ये जो 3 बाइट्स हैं, पहला कॉल ऑप कोड और बाकी दो पर लो और हाई ऑर्डर का एड्रेस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वो 4000 या 5000 मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है, तो कॉल का ऑप कोड दूंगा मैं पहली क्लॉक साइकिल पे, दूसरी क्लॉक साइकिल पे क्या करूंगा, दूसरी क्लॉक साइकिल पे सपोज 5000 है तो मैं बोलूंगा 00 लो बाइट लोअर ऑर्डर बाइट का एड्रेस, और फिर तीसरी बाइट पर मैं दूंगा हाई ऑर्डर बाइट का एड्रेस यानी 50। तो टोटल इस हिसाब से मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे को कॉल करना है कहाँ पर, उस लोकेशन पर जहाँ पर 5000 मेमोरी लोकेशन है, वहाँ पर जो प्रोग्राम है उसको कॉल करना है। तो अब मेरे PC के अंदर 5000 आ जाएगा और फिर वहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से मैं बेसिकली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट प्रोसेसर के पास पहुँचेगी तो INTA बार ऐसा नहीं है कि वो एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देगा जो कि कंटिन्यूसली लो सिग्नल होगा, नहीं, वो पहले लो दे, पहले हाई होगा क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा था, फिर वो लो होगा, एक क्लॉक पल्स के लिए लो होगा और फिर वो ऊपर जाएगा, इस क्लॉक पल्स में वो कॉल का ऑप कोड प्रोसेसर तक पहुंचाएगा डेटा बस के थ्रू, डेटा बस पे ये डेटा डाल देगा और वो डेटा
बस सीधे सीधे कॉल के ऑपकोड को रिसीव कर लेगी। उसके बाद सेकंड क्लॉक पल्स, नेगेटिव क्लॉक पल्स पर वो देगा लो बाइट का एड्रेस, दैट इज 0 0, और उसके बाद थर्ड क्लॉक पल्स पर वो एड्रेस देगा 50, ठीक है। और तीसरी क्लॉक पल्स के बाद अब इस INTA बार का काम कंप्लीट हो चुका है, उसने पूरा एक्नोलेज कर लिया, मतलब उसने उस IR2 से करस्पॉन्डिंगली सर्विस रूटीन का एड्रेस डेटा बस पर पहुंचा दिया। डेटा बस से प्रोग्रामर ने डेटा रीड कर लिया और अब वो उस लोकेशन पर पहुंच करके वहां के सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा। ये पूरा है ब्लॉक डायग्राम, क्लियर हुआ या नहीं जल्दी से बताओ। यस सर, कोई पर्टिकुलर चीज जो समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा बताऊं, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। आगे चलिए सर। ठीक है, अब सर इंटरप्ट, SP इसमें स्टैक पॉइंटर हाँ है, SP इसमें स्टैक पॉइंटर है ना? नहीं, हाँ सॉरी, ये तो रह गया। SP बेसिकली ये स्टैक पॉइंटर नहीं है, ये हम इस कास्केड बफर को इनेबल करने के काम में लाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जब हम इसको बेसिकली कास्केड फॉर्म में एक्टिवेट करना चाहेंगे तो कास्केड फॉर्म में एक्टिवेट करने के लिए इस कास्केड बफर को इनेबल करना पड़ेगा, और ये बफर इनेबल तब होगा जब मैं इस SP/EN बार को मैं इनेबल करूँगा, ठीक है। तो उसको इनेबल करूँगा तभी ये इनेबल होगा, तभी ये कास्केड ऑपरेशन में काम करेगा। बेसिकली मास्टर और स्लेव को मास्टर और स्लेव मोड में काम कराने के लिए मैं इसको SP/EN बार को, ये स्लेव मोड इनेबल डिसेबल वाला काम करता है, एक तरीके से कि स्लेव मोड इनेबल है या डिसेबल है, ठीक है। मास्टर और स्लेव तो पता है ना आपको, यस सर, RSJ के फ्लिप फ्लॉप में पड़ा होगा, तो वही सेम चीज़ है। मैं अगर उसको स्लेव मोड में काम करा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मास्टर मोड में काम करा रहा हूँ तो मुझे इसको इनेबल करना पड़ेगा, कास्केड मोड को इनेबल करना पड़ेगा। तो वो स्लेव मोड को इनेबल करने के काम में लाते हैं, ठीक। चले आगे, ठीक है। तो इंटरप्ट्स इन दी कंट्रोलर आर इंडिविजुअली मास्केबल, हमने अभी देखा IMR के थ्रू हम इंटरप्ट्स को इंडिविजुअली मास्क कर सकते हैं, ठीक है, और मोड्स को डायनामिकली चेंज भी कर सकते हैं, मास्क को और मास्क के मोड्स को डायनामिकली चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। 8259 जो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, और उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करता है प्रायोरिटी मास्क प्रायोरिटी रिजॉल्वर से, ठीक है। अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो वो उसको सर्विस कर देगा और इंटरप्ट सिग्नल जनरेट कर देगा, और अगर नहीं है तो वो नहीं जनरेट करेगा, ठीक है। 8085 में ये INTA बार 3 बाइट का कॉल इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। 8086 के अंदर हम इसको 8 बिट का वेक्टर नंबर प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये 8 क्लॉक पल्स जनरेट करता है, ठीक है, क्योंकि 8086 में हम कॉल इंस्ट्रक्शन जो यूज़ करते हैं उसमें 8 बिट का वेक्टर नंबर है, मतलब 8 बाइट है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर हम 3 बाइट से एड्रेस दे सकते हैं, 8086 में हमें टोटल 8 बाइट चाहिए होंगी, ठीक। अगला है इट कैन बी ऑपरेटेड इन पोल्ड एंड वेक्टर मोड, और उनके स्टार्टिंग एड्रेस को इंटरप्ट सर्विस रूटीन को प्रोग्राम किया जा सकता है, प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम कर सकता है, ठीक। रीड और राइट लॉजिक 8259 को इंटरफेस करते हैं प्रोसेसर के साथ। D0 से D7 ये सिंपल बस वाली कनेक्ट है, जो बस वाली बस हैं, बस लाइंस हैं जो कि डेटा बस से कनेक्ट होगी 8085 के, ठीक है। और चिप सेलेक्ट से इनेबल होगा ये पूरी लाइन। A0 जो लाइन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू सेलेक्ट द कंट्रोल वर्ड और द डेटा वर्ड। अगर A0 की वैल्यू 0 है तो कंट्रोलर जो है वो कमांड वर्ड या स्टेटस को रीड करेगा, और अगर उसकी वैल्यू 1 है तो वो कंट्रोलर एक दूसरे रजिस्टर को सिलेक्ट करेगा विद प्रॉपर इनिशियलाइजिंग ऑफ द राइटिंग वर्ड्स, ठीक। INT अगर आउटपुट जो है वो CPU को इंटरप्ट करने के काम में आती है, जैसे ही 8259 कोई इंटरप्ट को एक्नॉलेज करेगा तो ऑटोमेटिकली CPU से वो एक्नॉलेज करेगा और उस पर्टिकुलर पिन जहाँ से वो जनरेट हो रही होगी वहाँ पर वो पहुँचा देगा, ठीक है। अब अगर ये लाइंस हाई होती हैं फॉर जो भी हमारे इंटरप्ट रिक्वेस्ट की लाइंस हैं, तो रिक्वेस्ट को हम स्टोर करेंगे ISR के अंदर, इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। IRR के अंदर हम स्टोर करेंगे, और इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर वो पिछले सारे लेवल्स को, और जो इस समय जो हम सर्विस कर रहे हैं, जिन लेवल्स को हम सर्विस कर रहे हैं, जिन इंटरप्ट रिक्वेस्ट को हम सर्विस कर रहे हैं उनको स्टोर करके रखेगा। इंटरप्ट मास्क रजिस्टर उनकी मास्किंग बिट को स्टोर करेगा, और प्रायोरिटी रिजॉल्वर
उनको एग्जामिन करेगा कि मेरे को किस पर्टिकुलर आईएनटी रिक्वेस्ट को मेरे को प्रोसेसर तक भेजना है या नहीं भेजना है। कास्केड बफर या कंपैरेटर को यूज करेंगे अगर मुझे नंबर ऑफ इंटरप्ट या नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी सर्विस्ड यूजिंग 8259 वो बढ़ानी है। ठीक है, 8259 को हम कास्केड मोड में यूज कर सकते हैं, 64 इंटरप्ट रिक्वेस्ट हम जनरेट कर सकते हैं कास्केड मोड के थ्रू। ठीक है, बाई कनेक्टिंग द INT लाइन वन ऑफ द INT लाइन टू द स्लेव ऑफ द स्लेव टू द IRQ लाइन इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, मास्टर की इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तीन रजिस्टर हैं जो हमने डिस्कस करे, एक इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर और एक इन सर्विस रजिस्टर ISR। ठीक है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर हमने देख लिया कि ये करंट इंटरप्ट और को एक लिस्ट बना लेता है। ठीक है, कि कौन कौन से इंटरप्ट बेसिकली वहाँ पर आ रहे हैं, और अगर धोखे से कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है तो वो उसको भी चेक करता है। ठीक है, इन सर्विस रजिस्टर मेंटेन अ लिस्ट ऑफ इंटरप्ट्स दैट आर पेंडिंग, पेंडिंग इंटरप्ट की लिस्ट बनाता है जो कि अब भेजे जाने हैं, है ना। NEOI मतलब एंड ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट खत्म होने के बाद अगला इंटरप्ट कौन सा जाएगा वो बताता है ISR। ठीक है, और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर ये बताता है कि कौन सा इंटरप्ट नहीं भेजा जाना क्योंकि उसकी मास्किंग ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक, एंड ऑफ इंटरप्ट ऑपरेशन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट को सपोर्ट करते हैं या नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट को सपोर्ट करते हैं या ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली है क्या, अगर मैं स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट को देखता हूँ या नॉन स्पेसिफिक या ऑटो, मतलब क्या है कि मुझे इंटरप्ट की रिक्वेस्ट कब ख़त्म करनी है किसी एक पर्टिकुलर टास्क के बाद। फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड एक लगाया डिवाइस पर, ठीक है, कीबोर्ड क्या कर रहा है, कीबोर्ड ये कर रहा है कि मैं अगर कोई भी कीबोर्ड से दबा रहा हूँ तो उस करस्पॉन्डिंग प्रेस्ड की के करस्पॉन्डिंग एक रिक्वेस्ट प्रोसेसर के पास जा रही है। ठीक है, और प्रोसेसर उसको एक्नॉलेज कर रहा है तब वो अगली की दबाने के लिए एलिजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक हो गया। नॉन स्पेसिफिक मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को सपोज कुछ चीज़ डिस्प्ले करानी है, ठीक है, अब वो बिट बाय बिट नहीं है, उसने एक पर्टिकुलर 8 बिट या 16 बिट या जितने भी बिट का डेटा है वो दे दिया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया। ठीक है, और ऑटो मतलब मैंने ऑटोमेटिकली इतने टाइम सेकंड के बाद या इतने बिट्स के बाद या इतने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के बाद वो ऑटोमेटिकली एंड कर देगा उस इंटरप्ट को। तो ये तीन ऑपरेशन हैं, इन तीनों ऑपरेशन में किसी भी तरीके से हम एंड ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन को एंड ऑफ इंटरप्ट ऑपरेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी सी है, ये बहुत कम पूछी जाती है लेकिन पता होना चाहिए बेसिकली कि एंड ऑफ इंटरप्ट बेसिकली है क्या और कितने टाइप के होते हैं, कभी दो नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाए इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एज एंड लेवल इंटरप्ट ट्रिगर मोड्स दोनों ही सपोर्ट करता है। हमने जब हमने इंटरप्ट पढ़े थे, वेक्टर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट पढ़े थे, तो हमने ये देखा था एज रेट्रिक्स के इंटरप्ट में, मैंने आपको बताया भी था बेसिकली, या जब हमने क्या पढ़ा था, एक मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने इंटरप्ट ही मेंशन करे थे कि बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कौन कौन से हैं। तो उस इंटरप्ट की स्लाइड में हमने ये देखा था वीडियो में कि हम उनको दो टाइप के लेवल में डिसाइड कर सकते हैं कि वो एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है। एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड का मैं हल्का सा एग्जाम्पल दे देता हूँ दोबारा, अगर आपको याद नहीं हो या भूल गए हो तो। एज मतलब जैसे ही वो सपोज 0 से 1 हुआ, मतलब 0 से 1 जैसे ही वो चेंज हुआ, चेंज ऑफ द लेवल हुआ तो वो एज बोली जाती है, 0 से just 1 बिगनिंग। ठीक है, या फिर 1 से वो 0, तो अगर वो 0 से 1 हो रहा है इसका मतलब हम बोलते हैं राइजिंग एज है, और अगर वो 1 से 0 हो रहा है इसका मतलब वो फॉलिंग एज है। तो राइजिंग एज और फॉलिंग एज पर हम उसको बोलेंगे एज ट्रिगर्ड है, और लेवल ट्रिगर्ड वो होते हैं जो 0 अगर है, फॉर एग्जांपल मैंने उसको बोला कि ये पॉजिटिव लॉजिक ट्रिगर्ड है तो वो 0 से 1 पर, यानी 1 पर वो ट्रिगर होगा। जब तक 1 नहीं आएगा, जब तक लॉजिक 1 नहीं आएगा, जब तक प्लस 5 वोल्ट नहीं आएगा तब तक वो ट्रिगर नहीं होगा। सिमिलरली अगर वो 0 लेवल ट्रिगर्ड है इसका मतलब जब तक वो लॉजिक 5 से 0 नहीं आएगा तब तक वो ट्रिगर नहीं होगा। तो ये दोनों ही टाइप के मोड इस 8259 में सपोर्ट करते हैं, है ना, और इनकी प्रायोरिटी फिक्स्ड भी हो सकती है और इनकी प्रायोरिटी को रोटेटिंग मोड में भी हम काम करा सकते हैं। जब हम मोड में पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली कि कौन कौन से फिक्स प्रायोरिटी मोड है और कौन सा रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड है। ठीक है, अब हम चलते हैं पिन डायग्राम के ऊपर। इस पिन डायग्राम में अगर आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा हो तो मुझे 8 पिन तो वो चाहिए जो कि
इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं उन पिंस पर, है ना। तो 8 पिन तो हो गई मेरी ये IR0 से IR7, और उन पिनों के ऊपर मैंने 2 कंट्रोल लॉजिक के ऊपर सिग्नल लगा रखे थे, INT और INTA बार, है ना। तो 8 हो गई ये, और एक ये 9 और एक ये 10, ठीक। अब आप इधर चलो, तो इधर सबसे पहले हमने लिया था डेटा बस, डेटा बस की 8 पिन हो गई ये, है ना, D0 से D7, ठीक। अब उसके बाद आता था रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में हमने एक दिया था राइट बार, एक दिया था रीड बार, एक दिया था A0 और एक दिया था चिप सेलेक्ट लॉजिक। 4 हो गई ये, है ना। तो 8 और 8 16 और 4 20 और एक 21 और एक 22, है ना। अब बचे 3 पिन, वो जो कि 3 पिन हमने कास्केडिंग के लिए यूज़ करी थी, CAS0, CAS1 और CAS2 कास्केडिंग बफर के लिए, ठीक है। तो ये 3 पिन हो गई, और उस कास्केडिंग बफर को इनेबल और डिसेबल करने के लिए हमने यूज़ करा था SP bar / EN bar का, ठीक है। तो ये हो गई 4, बाकी केवल 2 पिन बची जो हमारी हर IC को एक्टिवेट करने के काम आती है, VCC और ग्राउंड। तो अगेन इट इज सिमिलर टू 8253 और 8254, दैट इज 28 पिन IC, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, पहला अगर मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ तो लेफ्ट साइड में मेरे पास 8 पिन तो डेटा बस वाली है, डेटा बस बफर की 8 पिन आ गई। उसके नीचे मेरे पास रीड राइट लॉजिक था, उस रीड राइट लॉजिक में 3 इनपुट थे, रीड बार, राइट बार और A0, ठीक है। और उसको कंट्रोल करा था मैं चिप सेलेक्ट लॉजिक के साथ। तो 8 वो और 4 ये, 12 पिन हो गई। उसके नीचे लगा रखा था मैंने कास्केड बफर, कास्केड बफर में 3 इनपुट्स थे, CAS0, CAS1, CAS2। इसको हम क्या बोल रहे थे, ये हमारा 3 इनपुट्स हो गए। और अगर मैं कास्केड बफर को इनेबल और डिसेबल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने SP bar / EN bar चौथी पिन का यूज़ करा है। तो 8 और 4 12 और 4 16, लेफ्ट साइड में 16 पिन आ गई, ठीक है। अब राइट साइड में चलो, राइट साइड में सबसे ज़्यादा पिने कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा पिने हैं वहाँ पर जो हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, दैट इज़ IR0 से IR7। 8 पिन ये हो गई, तो 16 और 8 24। उसके बाद ऊपर चलो कंट्रोल लॉजिक पे, कंट्रोल लॉजिक में 2 पिने हैं, INT और INTA बार, 2 पिन हो गई, 26। और बाकी हर IC को एक्टिवेट करने के लिए एक मेरे को क्या चाहिए, VCC, और एक मेरे को चाहिए ग्राउंड, ये 2 पिन मेरे को और चाहिए, ठीक है। तो टोटल 28 पिन की IC है, जैसे कि हम 8253 और 8254 में हमने 28 पिन की IC पढ़ी थी, बिल्कुल सेम वही 28 पिन यहाँ पर भी हैं। अब वन बाय वन देख लेते हैं कि इन पिन के डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। D7 और D0 मुझे पता है, D7 से D0 मतलब D0 से D7 8 पिन हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस से कनेक्ट होंगी, और ये बाई डायरेक्शनल डेटा बस होगी, बाई डायरेक्शनल होगा, है ना। रीड बार यानी रीड इनपुट, राइट बार यानी राइट इनपुट, ठीक है। उसके बाद A0 हमने कौन से कमांड में सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करने के लिए कि कंट्रोल वर्ड राइट करना है या उस ऑपरेटिंग मोड में काम करना है, A0 एक ही बिट सफिशिएंट है। उस चिप को इनेबल करने के लिए चिप सेलेक्ट लॉजिक, बफर यानी अलग अलग मास्टर स्लेव मोड में कॉन्फ़िगरेशन कराने के लिए 3 कास्केड लाइंस, CAS0, CAS1, CAS2 इनको बोलते हैं कास्केड लाइंस। उस कास्केड बफर को इनेबल करने के लिए हमें चाहिए स्लेव प्रोग्राम इनपुट इनेबल, स्लेव प्रोग्राम SP या इनपुट इनेबल EN bar। ये अगर 0 है इसका मतलब स्लेव प्रोग्राम एक्टिवेटेड, अगर ये 1 है इसका मतलब मास्टर प्रोग्राम इनेबल है। INT यानी इंटरप्ट आउटपुट, और INTA बार यानी इंटरप्ट इनपुट। अब आप ध्यान से देखो, इंटरप्ट आउटपुट इसलिए है क्योंकि हम प्रोसेसर को 8259 से आउटपुट दे रहे हैं, प्रोसेसर के लिए इनपुट है लेकिन 8259 के लिए आउटपुट है, और हम किसके रेफरेंस में स्टडी कर रहे हैं, 8259 के रेफरेंस में स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए ये आउटपुट पिन होगी, ठीक है। और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट वो उस डिवाइस के लिए 8259 के लिए इनपुट होगी लेकिन प्रोसेसर के लिए आउटपुट होगी क्योंकि प्रोसेसर 8259 को वो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, ठीक है। और IR0 से लेकर के IR7, ये टोटल 8 पिन ऐसी हैं जो 8 अलग अलग इंटरप्ट की रिक्वेस्ट में जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया पिन डायग्राम। इस पिन डायग्राम में हल्का सा देख लो, मेन सिग्नल कौन कौन से हैं, एक तो 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट IR0 से IR7, है ना, INTA इंटरप्ट और INTA बार, ये हमारा हो गया इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। D0 से D7 हमारा हो गया इंटरप्ट लेवल को कम्युनिकेट करने के लिए हमारा डेटा बस, ठीक है। और CAS0 से CAS2, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ पूछना है बच्चों? नो सर। ठीक,
अदर कनेक्टर्स इंक्लूड हमारे पास और बाकी कौन कौन से पेन है, सी एस जीरो से सी एस टू, उनको कास्केड करना है अलग अलग, ठीक है। डी जीरो से डी सेवन ये बाई डायरेक्शनल डेटा बस बफर है ना, और ये सीधे सीधे डेटा बस से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा थ्रू डेटा बस बफर्स। रीड आर डी बार एक्टिव लो, डब्ल्यू आर बार एक्टिव लो, ए जीरो एड्रेस इनपुट लाइन, कंट्रोल रजिस्टर कौन सा सिलेक्ट करना है उसको डिसाइड करेगा। एक एक्टिव लो चिप सिलेक्ट सिग्नल है, सी ए एस जीरो से सी ए एस टू ये बाई डायरेक्शनल 3 बिट कास्केड लाइन है, इसके थ्रू हम 8 अलग अलग 8 to 5 लाइन्स को मास्टर स्लेव मोड में काम करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लेव प्रोग्राम इनेबल, ये हमारी पिन है जिसके थ्रू हम बेसिकली मास्टर स्लेव मोड में काम करा सकते हैं। इट इज़ एस पी दैट इज स्लेव प्रोग्राम है ना, इनपुट है, और ये यूज होता है मास्टर और स्लेव कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टिंग्विश करने में कि ये मास्टर में काम कर रहा है या स्लेव में काम कर रहा है। बफर मोड में ये जो आउटपुट लाइन है वो इनेबल करने के काम में आती है, और अगर जो जो अगर बफर मोड की हम बात करें कास्केड, यानी हमने लिखा था ना कास्केड बफर, कास्केड बफर में ये जो आउटपुट लाइन है सी एस जीरो सी एस वन सी एस टू, ये हम बफर को इनेबल करने के काम में लेकर के आते हैं। आई एन टी ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, आई एन टी बार ये आई एन टी ए बार ये एक्नॉलेजमेंट है, और आई आर जीरो से आई आर सेवन ये बेसिकली इनपुट रिक्वेस्ट है। आई आर क्यू मतलब इनपुट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट है ना, ये इंटरप्ट जो कि पेरिफेरल डिवाइस से जनरेट होंगी। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को करते हैं एंड। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।